क्या आपने पहले कभी ऐसे अरबी के पत्ते के पतोरे बनाए हैं? अगर नहीं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अलग तरीके से मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मैं टूटे हुए जो अरबी के पत्ते थे उसे कट कर करके ले लिया है और फिर यहाँ पर रेगुलर मसाला मैं डाल रही हूँ और बेसन डाल रही हूँ। बेसन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट में ही थोड़ा सा पानी मिलाकर डाल देंगे जिसमें मैंने कूटा था। इसे मिला लेंगे अच्छे से और फिर बेसन की ज़रूरत पड़े तो और आप डाल सकते हैं इसमें। और मैं यहाँ पर एक नींबू निचोड़ कर डाल दूँगी। इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब हम पत्ते लेंगे जो कि अच्छे हैं, टूटे नहीं लेना है। इस तरह से पेस्ट को लगा लेंगे, 4 से 5 पत्ता डाल देना है, पेस्ट लगा लेना है सभी पर बारी बारी से। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे, चारों साइड से फोल्ड करके बंद कर देना है इसे अच्छे से, इस तरह से। अब हम इसे मोटा मोटा गोल करके अच्छे से बंद कर देंगे, इस तरह से बंद कर लेना है। अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे, और इसे ढक देना है। अब मैं दिखाती हूँ, ये हो चुका है बिल्कुल भी ठंडा। होने के बाद हम इसे कट करेंगे। ये ठंडा हो चुका है और इस तरह से मोटा मोटा पीस में काट लेना है। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे, हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। जब ये क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। भुना हुआ तेल इस पर थोड़ा सा स्प्रेड कर दें और फिर इसे चावल दाल और रोटी के साथ में इंजॉय करें। थैंक यू।